हेलो एवरीवन, दिस इज जैक एंड वेलकम बैक फॉर द न्यू ब्रांड वीडियो। तो गाइस कैसे हो सब लोग? तो गाइस बहुत सारे बंदे पूछ रहे थे कि भाई वीडियो को हाई क्वालिटी में कैसे अपलोड करूं, और साथ ही साथ ही आपकी वीडियो एडिटिंग का ऐप और ग्राफिक सेटिंग्स रिवील करने के लिए बोल रहे थे बहुत सारे लोग। तो गाइस आज की वीडियो में मैं रिवील करने वाला हूं। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो अच्छे लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। तो गाइस आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाला बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले नंबर पे था वीडियो क्वालिटी। तो गाइस बहुत सारे बंदे पूछ रहे थे कि भाई वीडियो क्वालिटी नहीं आ रहा है, अपलोड करने के बाद वीडियो ब्लर ब्लर दिख रहा है। तो गाइस उसके लिए मैं आज का एक सोल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। तो गाइस उसके लिए आप लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल का सेटिंग्स ओपन कर देना है। तो इधर आप लोगों का अपलोड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो गाइस इस पर क्लिक करते ही आप लोगों का सिंपली अपलोड फुल क्वालिटी पे कर देना है। तो इधर आप लोगों का 1080p रैंडमली होगा, तो उसको सिंपली आप लोग फुल क्वालिटी पे कर देना है। तो गाइस इसके बाद आप लोगों का वीडियो HD में अपलोड होगा और क्वालिटी भी अच्छी आएगी। तो गाइस दूसरे नंबर पर आता है एडिटिंग ऐप और ग्राफिक सेटिंग्स। तो गाइस उसके लिए आप लोगों का सिंपली प्ले स्टोर पे जाके VN एडिटर को डाउनलोड कर देना है। तो गाइस डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप लोग वीडियोस को सेलेक्ट कर लीजिए। तो गाइस उसके बाद आप लोगों का सिंपली वीडियोस को स्प्लिट करके आप लोग जितना चाहिए उतना रख लीजिए। तो गाइस उसके बाद आता है ग्राफिक सेटिंग्स। तो गाइस उसके लिए आप लोगों का सिंपली फिल्टर पे क्लिक कर देना है। तो इधर बाजू आप लोगों का एडजस्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो गाइस इधर आप लोगों को एक्सपोजर को 5 रख देना है। तो गाइस उसके बाद आता है कॉन्ट्रास्ट, तो इसको आप लोगों का सिंपली 4 रख देना है। तो गाइस उसके बाद आता है ब्राइटनेस, तो इसको आप लोग कुछ मत टच कीजिएगा। तो उसकी बाजू में ही आप लोगों का सैचुरेशन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसमें आप लोग सिंपली 39 रख लीजिए। तो गाइस उसके बाद आता है मेन सेटिंग्स वाइब्रेंस, तो इसको आप लोगों का सिंपली 23 रख देना है। तो गाइस इससे क्या होता है कि आप लोगों का वीडियो थोड़ा ज़्यादा चमकता है, और साथ ही साथ ही आप लोगों का वीडियो थोड़ा ज़्यादा क्वालिटी पे आएगा। तो गाइस इसके बाद आता है टेम्परेचर, तो इसको आप लोगों का सिंपली -4 रख देना। तो गाइस इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो के अंदर ब्लू टोन इफेक्ट आ जाएगा, और देखने वाला लोग भी बोलेगा कि वाह क्या सीन है। तो गाइस उसके बाद आता है HSR। तो गाइस इसमें आप लोगों को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप लोगों को सिर्फ 2 चेंजेस करना है। तो गाइस इधर आप लोगों को येलो वाला ऑप्शन पे जाना है, तो इधर आप लोगों का सिंपली सैचुरेशन को 2% बढ़ाना है। तो गाइस उसके बाद आता है पिंक कलर, तो इस पे आप लोगों को सैचुरेशन को 9% बढ़ा देना है, और ध्यान रखो कि लाइटनेस और HUV को टच मत करो। तो गाइस इसके बाद आता है विग्नेट, तो इसको आप लोगों का सिंपली 0 ही रखना है। तो गाइस उसके बाद आता है शार्पनेस, तो इसको आप लोगों का सिंपली 11 रख देना है। तो गाइस यहां तक हमारा 90% काम खत्म हो चुका है। तो उसके बाद आता है हाईलाइट, तो इसको आप लोगों का सिंपली 2% बढ़ा देना है। तो गाइस यहां तक का हमारा ग्राफिक्स एडिटिंग हो चुका है। तो गाइस उसके बाद हम लोग सीधा वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं। तो गाइस इधर आप लोगों को सिंपली रेजोल्यूशन को 2K कर देना है, और उसके नीचे आप लोगों का FPS मीटर दिख रहा होगा, तो इसको आप लोग सिंपली 60 FPS कर देना है। तो गाइस उसके नीचे आप लोगों का बिट रेट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसमें आप लोगों का सिंपली 40 रख देना है। तो गाइस उसके बाद सिंपली आप लोग एक्सपोर्ट कर दीजिए वीडियो को। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तक बाय बाय दोस्तों।